अब रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल कांग्रेस सरकार की विफलताओं के खिलाफ बीजेपी का महाधरना आज होने वाला है और प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा जाएगा ज्ञापन। राजधानी में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक धरना देकर प्रदेश के कांग्रेस सरकार की विफलताओं को बीजेपी रखेगी जनता के बीच में। राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, रमेश बैस सहित बीजेपी के सभी बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल राज्यपाल के नाम कलेक्टर के ज्ञापन भी सौंपा गया है और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसा कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाने वाला है जिसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है इस प्रदर्शन को बड़ा बनाने के लिए? देखिए बुशरा, भाजपा का जो आज प्रदर्शन होने वाला है उसके लिए पहले से ही तैयारी की जा रही थी। व्यापक स्तर पर रणनीति बनाई गई थी। तमाम जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, चाहे वो बिजमोहन अग्रवाल की बात की जाए, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की बात की जाए, चाहे रमेश बैस की बात की जाए, सभी कल एकात्म परिसर में वहां पर बैठक उन्होंने की थी और बैठक में रणनीति आज के जो प्रदर्शन है उसको लेकर बनाई थी। पूरे इस प्रदर्शन को महाधरने का नाम दिया गया है और हर प्रदेश के जिला मुख्यालयों में यह प्रदर्शन होगा और हर जिला मुख्यालय में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और अगर राजधानी के मैं प्रदर्शन की बात करूं तो यहां भी करीब दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक महाधरने का आयोजन किया गया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सांसद रमेश बैस, बिजमोहन अग्रवाल, श्रीचंद सुंदराय, तमाम जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। जब से चाहे वो बिजली कटौती हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, उसको लेकर लगातार सरकार को घेरती नजर बीजेपी आई है और इसी सब मुद्दे को लेकर आज महाधरने का आयोजन यहाँ पर किया गया है। व्यापक स्तर पर जिस दिन कार्य समिति की बैठक हुई थी उस कार्य समिति की बैठक में ही यह फैसला लिया गया था कि 22 जून को महाधरने का आयोजन किया जाना है। इसके बाद लगातार बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन करने की भी तैयारी करेगी क्योंकि बिजली का मुद्दा हो, चाहे कर्ज माफी, जिस तरीके से बीजेपी लगातार आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाती रही है कि पूर्ण कर्ज माफी सरकार ने नहीं की, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ, अभी भी उनको बैंकों से फोन आ रहे हैं, बैंकों से नोटिस आ रही है कि आप अपना लोन पटाए, तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज बीजेपी धरने का आयोजन करने जा रही है। जी, जैसा कि हेमंत, अब तक 6 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने जितने भी काम किए हैं उनमें क्या विफलताएं रही हैं, उन्हीं को गिनाने के लिए प्रदर्शन एक तरीके से देखा जाए रूलिंग पार्टी यानी विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कौन कौन सी बातों का जिक्र अपने इस प्रदर्शन में वो कर सकते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें गिनाने का काम बीजेपी इस वक्त कर रही है? देखिए मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने सरकार की उन सारी विफलताओं को इस प्रदर्शन धरने में शामिल किया है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला और बड़ा मुद्दा है बिजली कटौती। बिजली कटौती काफी दिनों से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रही है, सिर्फ रायपुर में ही नहीं, तमाम उन जगहों पर जहाँ पर लगातार बिजली कटौती हो रही है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सभी जगह पर बिजली कटौती देखने को मिल रही है, तो यह सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के पास है। इसके अलावा कर्ज माफी का मुद्दा और तमाम जो रोजगार के वादे कांग्रेस सरकार ने किए थे उसको लेकर भी इस मुद्दों को शामिल रखा गया है, तो तमाम वो मुद्दे हैं। और सबसे और एक बड़ा मुद्दा और ताजा मुद्दा नजर आता है वो है देशद्रोह। जिस तरीके से वहां पर बिजली कटौती पर सवाल उठाने के बाद एक व्यक्ति मांगीलाल अग्रवाल जो राजदान गांव के रहने वाले हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो धारा हटा ली गई थी, लेकिन बीजेपी ने इसे भी मुद्दा बनाया है। और जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक
फेरबदल देखने को मिल रहा है। कलेक्टर एसपी के लगातार जो फेरबदल है वो हो रही, इसको भी मुद्दा निश्चित तौर पर बीजेपी ने बनाया और पूरा इसको प्रशासनिक अराजकता भाजपा ने करार दिया है। तो तमाम सारे मुद्दे बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल है। जैसा कि दो बजे से पांच बजे तक ये प्रदर्शन किया जाएगा और इसे भव्य बनाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसे और बड़ा बनाने के लिए कितने कार्यकर्ताओं की जो है फौज यहाँ पर इकट्ठी होने वाली है जो प्रदर्शन करेंगे? लगभग कितने कार्यकर्ता होंगे जो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे? देखिए, अब उस पदाधिकारियों के साथ साथ उन तमाम कार्यकर्ताओं को भी सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है कि आप इस प्रदर्शन में शामिल हो, क्योंकि सरकार के छह महीने के बाद बीजेपी का यह बड़ा और एक पहला प्रदर्शन है। तो इस लिहाज से कार्यकर्ताओं की संख्या जुटाना चाहती है बीजेपी, और इसी तौर पर हर जिला मुख्यालयों के जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिलों में यह धरना आयोजित करें और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उसमें शामिल हों। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे, क्योंकि राजधानी है और यही से बैठक की रणनीति बनी थी। तो यहाँ निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की संख्या देखने को मिल सकती है। चलिए हेमंत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे और अगले